तो चीन में कोरोना के केस बेकाबू हो चुके हैं। वहां पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल से शमशान तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, लोग बेमौत मरते दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ खौफ और दहशत का मंजर दिखाई दे रहा है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बीजिंग के चुइंगलियू हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक ही कमरे में कोरोना वायरस से मरे लोगों की बॉडी को रखा गया है और उसी कमरे में इलाज के लिए मरीज भी इंतजार करते दिखे, यानी मौत के मंजर के बीच मरीजों का इलाज। चीन में कोरोना विस्फोट की तस्दीक ये वीडियो भी कर रहा है। चीन के शहर हिनान प्रांत के एक शमशान घाट के बाहर शव ढोने वाली गाड़ियों की कतार देखी गई। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शवों की अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मीटिंग चल रही है, कम से कम 2000 शव फ्यूनरल के बाद किसी नए शव का नंबर लग रहा है। अपनों की फ्यूनरल के इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। बीजिंग के डोंगजियाओ शमशान घाट में काम करने वाले लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों में दाह संस्कार में बढ़ोतरी हो गई है। अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लिटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने तक की जगह नहीं है। अब जरा चीन के एक दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए, यहाँ इलाज करवाने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन वहाँ खड़े लोगों में से ना कोई उसकी मदद के लिए आया, ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया। चीन में कोरोना की दहशत ऐसी है कि लोग घरों में कैद हैं और जो निकल भी रहे हैं वो खुद को प्रोटेक्शन कवर के साथ निकलते दिखे। चीन के एक शहर से खौफ की एक और तस्वीर आई जिसमें एक हताश परिवार अपने मासूम के इलाज के लिए तड़पता दिखा। एक माँ 42 दिन के जुड़वा बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रही है। दोनों बच्चे संक्रमित हैं, उन्हें बुखार है लेकिन बुखार की भी दवा नहीं मिल रही। बुखार कम करने के लिए माँ जतन करती दिखी, यानी ना तो दवा है ना ही अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। कोविड प्रतिबंधों में झील के बाद चीन में कोरोना वायरस के मामले स्पीड से बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है। चीन के प्रमुख शहरों के अस्पतालों में शवों का अंबार लग चुका है। चीन के लगभग अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना वायरस के जांच केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई। लगातार हो रही मौतों के बाद कब्रिस्तानों के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं चीन में शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ चुकी है। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लाइन लगी हुई है। चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाओं की भी कमी है। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है, लोग कार के अंदर भी इलाज करवाने को मजबूर है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये स्थिति कितनी खराब है चीन में, इन तस्वीरों को देखकर के समझा जा सकता है। कोरोना विस्फोट जो हुआ है अब तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उधर चीन में कोरोना